नमस्कार जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज नेशन में। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जैसे मोहम्मद का शीर्ष कमांडर ढेर हो चुका है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तीन दिन से लगातार सेना ताबड़तोड़ गोलियां कश्मीर में चला रही है और आतंकवाद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसी वक्त यह बड़ी खबर आ गई है कि जैसे मोहम्मद का शीर्ष कमांडर अफगानी, जिसका नाम आप सुनते रहते थे हमेशा, आज वो शीर्ष कमांडर ढेर हो चुका है और उसके साथ साथ कई आतंकी मारे गए। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं और आपको कश्मीर से भी जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए कि इस वक्त सेना किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बता दूं, दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां के रावलपोरा में पिछले तीन दिनों से जारी मुठभेड़ में आखिरकार जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर विलायत लोग उर्फ सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी को करार दिया है। उन्होंने कहा है कि रावलपोरा में 72 घंटों से भी अधिक समय जारी इस मुठभेड़ में अब तक 2 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, कई आतंकी के इनपुट्स हैं। जब तक सारे आतंकी मार नहीं दिए जाते, तब तक सेना पीछे नहीं मुड़ने वाली है। बता दूं, इसके पहले गत रविवार को सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए स्थानीय आतंकी की पहचान लश्कर ए तैयबा के जहांगीर अहमद वानी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान वानी निवासी रक नारोपोरा शोपिया के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों के अनुसार वह सितंबर 2020 में लश्कर ए तैयबा में शामिल हो चुका था, यानी कि रविवार को भी भारतीय सेना ने आतंकियों को ठोका और शनिवार को भी और आज सोमवार को भी, यानी कि लगातार भारतीय सेना इन आतंकियों को ठोक रही है। बता दूं, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने 2 आतंकियों को मारे जाने की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि सज्जाद को मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। सज्जाद काफ़ी समय से दक्षिण कश्मीर खासकर शोपियां में युवाओं को बगलाकर संगठन में भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इलाके में फिलहाल और आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दूं आपको कि मुठभेड़ शोपियां के रावलपोरा में गत शनिवार रात को शुरू हुई थी। देर रात गए तक आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करवाने के लिए भारतीय सेना बार बार कोशिश कर रही थी कि वो आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन आतंकियों की तरफ से आत्मसमर्पण करने से साफ मना कर दिया गया। इसी बीच रविवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। आतंकवादियों को घर से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा बलों ने मकान को उड़ा दिया था, परंतु अन्य आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब रहे। जब सुरक्षाकर्मी आतंकियों का पीछा कर रहे थे, उस दौरान क्षेत्र में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने उन्हें अभियान को प्रभावित करने का प्रयास भी किया, परंतु सुरक्षा बलों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस बीच मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों ने सुरक्षा बलों के सख्ते में डाल दिया। मारे गए आतंकियों में एक के पास AK-47 अमेरिका निर्मित M4 राइफल, उसकी 3 मैगजीन, 36 राउंड और करीब 9600 नकदी भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने अभी यह अभियान समाप्त नहीं किया है, शोपियां में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। IGP ने कहा है कि जब यह पुष्टि हो जाएगी तो रावलपोरा में और कई आतंकी मौजूद नहीं है, ऑपरेशन समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल दोनों आतंकियों के शवों को उनसे बरामद हथियारों और सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि कई आतंकी अभी भी रावलपोरा में एक्टिव हैं, जिनको मिटाने के लिए भारतीय सेना ने मुहिम छेड़ा है। और कई बड़े आतंकी ढेर भी किए जा चुके हैं और कुछ अभी और भी मारे जाएंगे, क्योंकि शनिवार को भारतीय सेना ने कहा था कि वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन जिस घर में वो छिपे हुए थे उन्होंने कहा कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बाद में भारतीय सेना ने जब उस घर को उड़ा दिया तो उसमें से एक आतंकी को भारतीय सेना ने मार गिराया था, बाकी कई आतंकी भाग निकले थे, जिनको ढूंढा जा रहा है, जिनको अब भारतीय सेना लगातार कोशिश कर रही है कि उनको जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई के तहत उनको ठोक देना चाहिए। और उसके बाद आज जब जैसे मोहम्मद का शीर्ष कमांडर ढेर हुआ है, तो कई आतंकी संगठन, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, क्योंकि लश्कर ए तैयबा के भी आतंकियों को रविवार को मारा गया था, और आज कह सकते हैं कि
बड़ी संख्या में आतंकी इस समय रावलपोरा में एक्टिव हैं, दक्षिण कश्मीर में अभी भी एक्टिव हैं, जिनको साफ करने के लिए भारतीय सेना लगातार कोशिश कर रही है। आप भी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आज हमारे भारतीय सेना को मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी ठोंके जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना बड़ा ऑपरेशन हमारे जवान चला रहे हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन के तहत आतंकियों को ठोकने की कोशिश हमारे जवान लगातार कर रहे हैं, जिसमें आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। यानी कि लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाइए। और आज यह बड़ी खबर कह सकते हैं, बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं कि लश्कर ए तैयबा और कह सकते हैं कि कई बड़े आतंकी संगठनों के आतंकी लगातार ठोके जा रहे हैं। जिस तरह से आज जैसे का शीर्ष कमांडर अफगानी और उसके साथ साथ दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आप भी क्या रहा जरूर मेंशन कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।